नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। अगला भाग सुनने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले के भाग जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगला भाग सुने। तो चलिए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 5। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खाली दी और एक चीलम भर कर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए, बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वो 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे, आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दोलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था, उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए, शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धोला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो मैं शगुन में ही दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 रुपये से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज न ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा, उसके बाल बच्चे निराशा होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चीलम पीने लगता था तो ये चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से उसे घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि ये विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था, अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 रुपये का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भी भीख नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं, यहां कौन बचा है। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे 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 गाय, पीछे 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 भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था, ये खबर सुनाने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, ये उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा कि भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ गाय का स्वागत करने के लिए दौड़ी। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दो, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। अच्छा तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूं। अरे कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। अरे सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी, इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, ये शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देख कर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पोरा भी अच्छा हो,
भगवान के मन की बात है। मानो वो भगवान को भी धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेजते। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदा अर्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है, बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़ी। होरी सचमुच आपे में न था, गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं सजीव संपत्ति थी। वो उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखें तो पूछें, अरे किसका घर है, और लोग कहें होरी महतो का, तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। अब आंगन में बंधी तो कौन देखेगा। मगर धनिया इसके विपरीत संशक थी। वो गाय को सात पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद उसे बाहर ही न निकालती। यह हर बात में होरी की जीत होती थी। वो अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था, गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़ा। यह मामूली देसी गऊ नहीं है, भोला के घर से 80 रुपए में आई है। अरे होरी 80 रुपए क्या देंगे, 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। ये तो ग्वालों का ही कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है, साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वो कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख ले, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पलागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपने पुरानी अनुभवी आंखों से देखा, सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए, एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दाता दीन ने सुरते की पीक थूकते हुए कहा, अरे मेरा आशीर्वाद नहीं है बेटा, भगवान का दिया है, ये सब प्रभु की दया है, रुपए नगद दिए। होरी ने बेपैर की उड़ाई। अपने महाराज के सामने भी अपने समृद्धि प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वो कैसे छोड़े। तके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम अकड़ने लगते हैं, जरा देर के लिए सही,
जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूति पाकर क्यों ना उसका दिमाग आसमान पर चढ़े। बोला बोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने ये डींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी पर दाता दीन के मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है ये उनकी उन बुझी हुई आंखों से छिपा न रह सका जिनमें ज्योति की जगह अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 शेर दूध है इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो गई है फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दाता दीन ने मर्म भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है, सिटना मर्दों का काम है, उन्हें सिटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले बाहर न बांधना इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा मानो कह रही हो लो अब तो मानोगे। दाता दीन से बोली नहीं महाराज बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गाय और बंधा सकती है। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो कि अपने सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था, वो दोनों आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौट आए, इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा शायद। धनिया बोली तो यहां कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। अरे जब भगवान ने ये सब दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने का जितनी लालसा होती है बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हों, हैं तो अपने भाई ही, अपने हिस्से बखरे के लिए तो सभी लड़ते हैं पर इससे खून थोड़े ही बढ़ जाता है। अरे दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे कि गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा मैंने तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना, क्या उन्होंने न सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते, सारा गांव देखने आया, उन्हीं के पांव में मेहंदी लगी हुई थी, मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इसके घर गाय आई कैसे, छाती फटी जाती होगी। दिया बत्ती का समय आ गया था, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था, बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था, कुछ मुंह देखी कहेगी कुछ लल्लो चप्पो करेगी तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा जरा जाकर देख हीरा काका आए कि नहीं, शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है और ना आए तो हाथ पकड़कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली नहीं छोटी काकी मुझे डांटती है। अरे काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काका मुझे चिढ़ाते हैं, मैं ना कहूंगी। क्या कहते हैं। चिढ़ाते हैं। अरे क्या कहकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ कर रखा है, ले जा भूनकर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं कि पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मना करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। अच्छा तो अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा अम्मा की, और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपने थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए रूपा होरी के साथ खाती थी, अब इस गौरव का परित्याग कैसे करे। हुमक कर बोली अच्छा तुम्हारी,
तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा? तो जाकर हीरा और सुभग खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े? अरे अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या फिर तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वो घातक जाल कीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। अब बच्चों से क्या बैर। लेकिन रूपा घर से निकली ही थी कि धनिया तेल लिए मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहां जाती है, चल घर। रूपा मां को प्रसन्न करने के प्रलोभन को न रोक सकी। उसने उसे सब बता डाला। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वो घर आई और होरी से बोली, मैंने तुमसे हजार बार कह दिया मेरे लड़कों को किसी घर न भेजा करो। किसी ने कुछ कर करा दिया तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा जान पड़ता है। होरी नाच जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, अरे किस बात पर बिगड़ती है भाई, ये तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकुर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था, इस समय झगड़ा न करना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात से ज्यादा जा चुकी थी, नांद गढ़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन मारे उदास बैठी थी, जैसे कोई वधू ससुराल आई हो। नाद में मुंह तक न डालती थी। होरी और गोबर खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर ये कोई नई बात न थी, जानवरों को भी बहुधा घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चीलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वो भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय ये विभूति पाकर विशाल हो गया था। भाइयों से अलग हो गया है तो क्या हुआ, उनका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वो भाइयों के घर दूध न भेजेगा या फिर दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका धर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वो क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पाए से लगाकर रख दिया और फिर हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह न पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। अब ऐसा आदमी कहां है जो अपने चर्चा सुनकर टल जाए। हीरा ने कहा, जब तक एक में थे एक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, ये तुम अन्याय कर रहे हो हीरा, भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। ये मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, ये है पहले की कमाई। अच्छा, तो ये रुपये कहाँ से आ गए, कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं, उतनी ही उपज हमारी भी है, फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नहीं गाय आती है? उधार लाए होंगे? भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। अच्छा कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर, गोबर लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है भैया, भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वो बीती बातों को बिसार कर अपने हृदय में स्नेह और सौहार्द भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वो रसभाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चीथड़े ठूस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस आक्षेप का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रह गया। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वो निर्दोष है, दूसरों की उसे परवाह नहीं। वो उल्टे पांव लौट आया।
और वो जला हुआ तंबाकू पीने लगा। लेकिन जैसे वो विष प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद ना आई। बैलों के पास जाकर उन्हें सहलाने लगा मगर विष शांत न हुआ। दूसरी चीलम भरी लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो, जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर वेगवान हो जाता है, वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वो अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और फिर द्वार की ओर ले चला। वो इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वो अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहां लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ा कर कहा, ले जाता हूं भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए ही लाए थे। हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहां कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछकर? धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो, मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। होरी ने विनीत स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुनेगा तो कहेगा ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। अरे मैं अपने कानों से क्या सुन के आया हूं, तू क्या जाने? यहां चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था और यही रुपए अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा? सारा गांव कह रहा है, हीरा क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूं ना कि तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोसकर संडा किया और अब बेईमान। मैं कह देती हूं, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए बीज खेत, दबा लिए डंके की चोट, कहती हूं मैंने हंडे भरे असरफियों छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना हो कर ले, क्यों ना रुपए रख ले? दो दो सांडों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिट पिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वो बाहर जा चुकी थी। वो वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वो कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को वो खूब जानता था, बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परले हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है, मैंने कहां से कहां यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्या टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया, हीरा की गरज भी सुन पड़ी, फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी तो गोबर वहां न था, तो गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जाकर इस डायन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई, मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वो जब्त किए बैठा रहा, फिर उससे न रह गया। धनिया पर क्रोध आया, वो क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या क्या कहता है,
जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रगति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बारी तो जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वो जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा तो गालियां दे देगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, मगर थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। वो जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, और हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो कि गांव के कर्ता धरता थे, सभी पहुंच गए थे। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था, उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वो रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वो गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है, हमें देखकर तेरी छाती क्यों फटती है? अरे पाल पोस कर जवान कर दिया, ये क्या उसका इनाम है? हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, एक की छा भी ना मिलती। छा, होरी को यह शब्द जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते, तेरे घर में कुत्ते की तरह एक टुकड़े खाते थे और दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसे होती है, दिन दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी, तेरी जैसी राक्षसनी के हाथ में पड़कर जिंदगी तलख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जमान चमान नहीं जीप खींच लूंगी, राक्षसनी तेरी औरत होगी, अरे तू है किस फेर में मुड़ी कटे, टुकड़े खोर नमक खराब। दाता दीन ने टोका, अरे इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया, नारी का धर्म है कि गम खाए, ये तो जड है, क्यों उसके मुंह लगती है। लाला पटेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया, अरे बात का जवाब बात है, गाली नहीं, तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन ये क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद भी तो तेरे हाथ में थी। धनिया ने समझा कि सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ, इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ मैं, मैं गाली दे रही हूँ तो वो फूल बरसा रहा है ना, क्या? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला, बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है, अरे होरी के जैसा मर्द है तो इसका निभा होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वो कुछ शेर हो रहा था, गला फाड़ कर बोला, अरे चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूंगा, झूठा पकड़कर उखाड़ लूंगा, गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो गया है, खून पासा पलट गया। होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस हुआ, अब चुप हो जाओ होरी, अब नहीं सुना जाता, मैं इस औरत को क्या कहूं, जब मेरे पीठ में धूल लगती है तो इसी कारण, न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया, उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया, अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया, होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, ये भाई है, ऐसे भाई को मुंह ना देखे, ये मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला कर
होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी, जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहां है गोबर, अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी मां को जूते मारे जा रहे हैं। यों विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंघनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वो धम्म से गिर पड़ा और बोली, अरे कहां जाता है, जूते मार मार ना जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। तभी होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और साथ ही साथ बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।